भगवान का दिया आशीर्वाद है माँ बाप, दुनिया का अनमोल तोहफा है माँ बाप। हे प्रभु, एक ही प्रार्थना है मेरी आपसे, हर जन्म में मुझे चाहिए यही माँ बाप। माँ बाप के लिए कोई दिन की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी जो हमसे बिना कुछ लिए हमें खुद से बेहतर बनाते हैं वो है माँ बाप। और आज जब भी आप किसी से भी पूछो कि आप अपने माँ बाप से कितना प्यार करते हैं, तो वो कहेगा कि ये कौन सा प्रश्न है। लेकिन फिर भी आज के दौर में लोग अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं। आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माता पिता का वैश्विक दिवस मनाया जाता है। अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में कई प्रकार के रिलेशनशिप होते हैं, लेकिन एक माता पिता का ही ऐसा रिश्ता होता है जो किसी कारण से नहीं होता, और ना ही माता पिता अपने बच्चों से किसी चीज की चाह रखते हैं। अगर रखते भी हैं तो सिर्फ उनके उज्जवल भविष्य की। और लेकिन आज के दौर में बच्चे बड़े होने के साथ साथ अपने माता पिता के प्यार और उनके बलिदान को भूल जाते हैं। वह अपने कामों और दोस्तों और भविष्य को लेकर इतना व्यस्त हो जाते हैं कि माता पिता की परवाह ही नहीं करते। तो बताते हैं आपको कब से इस दिन की शुरुआत हुई। जी हाँ, आज ही के दिन 1 जून को वैश्विक माता पिता का दिवस मनाया जाता है, यानी कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। आज के दिन का ऐलान 2012 में संयुक्त राष्ट्र ने किया था। आज के दिन को खास बनाने के लिए मकसद था कि इन दिनों लोग वैश्विक स्तर पर अपने माता पिता को उनके द्वारा किए गए बलिदान को धन्यवाद बोलें। जिस तरह माता पिता निस्वार्थ होकर बच्चों की सेवा करते हैं, इसी प्रकार बच्चों को भी अपने माता पिता की निस्वार्थ होकर सेवा करनी चाहिए, और बच्चे अपने माता पिता की असहमति को समझ सकें, इस कारण इस दिन की मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक माता पिता दिवस को साल 2012 में मान्यता मिली, जिससे ये 1 जून को मनाया जाने लगा।